दोस्तों अगर आप भी अगर Google Pixel 9 सीरीज में इंटरेस्टेड हो या आप जो है ना प्लान कर रहे हो फ्यूचर में लेने के लिए, तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको जो है ना 4 बिग रीजन बताऊंगा कि आप इस फोन को अवॉइड कर सकते हो, इसकी जगह पे कोई दूसरा फोन जो है ना परचेज कर सकते हो। और दोस्तों मैं ये भी जानता हूं कि ये फोन इस टाइम पे जो है ना ट्रेंडिंग फोन बन चुका है Pixel 9 सीरीज, और बहुत जबरदस्त जो है ना AI के फीचर लेके आया है। और दोस्तों वो रीजन सुनने के बाद जो है ना आपको डिसाइड करना चाहिए कि भाई आपको ये फोन जो है ना लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो एक लाइक भी कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं जानता हूं कि जो है ना Pixel 9 सीरीज इस टाइम पे एक जो है ना ट्रेंडिंग स्मार्टफोन बन चुका है स्पेशली AI के फीचर्स की वजह से। लेकिन दोस्तों इस फोन में जो है ना 4 जो है ना मेजर प्रॉब्लम है, वो मैं आपके साथ सामने रखना चाहता हूं, और उसके बाद जो है ना डिसीजन जो है ना फाइनल में आप ही करेंगे। तो दोस्तों जो पहले नंबर पे जो मेन प्रॉब्लम है वो है इस फोन का प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, इसका जो प्रोसेसर है टेंसर G4, दोस्तों ये प्रोसेसर जो है ना इसकी स्पीड परफॉर्मेंस जो है ना बहुत ही कम है। दोस्तों इस जो है ना प्रोसेसर को आप जो है ना स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, तो दूर की बात है, आप जो ना Snapdragon 8 Gen 2 के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रोसेसर जो है ना बहुत ज्यादा स्लो है, जो कि आप जो है ना एक फ्लैगशिप फोन ले रहे हैं तो भाई ये चीज आपके लिए बहुत जो है ना मैटर करती है कि एक फ्लैगशिप फोन में जो प्रोसेसर है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो नंबर वन। और दोस्तों दूसरे नंबर पे जो बहुत बड़ा रीजन है वो है इस फोन का कैमरा। जी हां दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई Pixel के तो कैमरे बहुत फेमस होते हैं, बहुत मशहूर होते हैं, तो उसके बाद जो है ना Pixel के जो है ना कैमरे में क्या प्रॉब्लम आ गया। दोस्तों कैमरे में भी कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो लैग करते हैं, जो सही से काम नहीं करते हैं, जिसमें से नंबर वन पे है Pixel 9 का जो है ना पोर्ट्रेट्स। जी हाँ दोस्तों, जब आप पोर्ट्रेट्स जो है ना पिक्चर बनाते हैं तो भाई जो एज डिटेक्शन है, जो स्किन के जो कलर्स हैं, वो पूरे जो है ना खराब हो जाते हैं। अगर आप नॉर्मल बनाओगे तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप जो है ना पोर्ट्रेट बनाओगे तो वो पूरा जो है ना बिगड़ जाता है। इसकी जो सिनेमैटिक जो बैकग्राउंड ब्लर वाली जो वीडियो होती है दोस्तों वो भी इतनी खास नहीं है। अगर हम कंपेयर करते हैं आईफोन के साथ या फिर जो है ना सैमसंग की वीडियो के साथ, बैकग्राउंड वाला जो इफेक्ट है वो इतना खास नहीं आता है। और दोस्तों जो तीसरा जो फीचर इन्होंने जो हाईलाइट किया है वीडियो बूस्ट का, तो दोस्तों वो भी इतना खास नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे क्वालिटी आती है, लेकिन दोस्तों अगर आप 5-10 मिनट की वीडियो बनाएंगे, जब आप उसको जो ना प्रोसेस करेंगे जो ना वीडियो बूस्ट में, तो वो तकरीबन 1-1.5 घंटा ले लेती है। तो इतना टाइम जो है ना कौन वेट करता है दोस्तों। तो कैमरा में ये चीजें जो है ना Pixel को अभी इंप्रूव करने की जरूरत है, तो मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत बड़ा रीजन। और दोस्तों उसके अलावा नंबर थर्ड पे जो मेन रीजन है वो है इसकी ब्रांड वैल्यू, इसकी रीसेल वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, गूगल के Pixel फोन की जो ब्रांड वैल्यू है वो इतनी ज्यादा नहीं है, और इसी वजह से Pixel के जो स्टोर्स हैं वो भी हमें हर जगह पे नहीं देखने को मिलते। और दोस्तों इसी वजह से जब हम ये फोन ले लेते हैं तो उसके बाद जो है ना जब हम इसको सेल करते हैं तो इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो भी हमें अच्छी देखने को नहीं मिलती है। तो अभी गूगल को जो है ना थोड़ा इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि गूगल से ज्यादा तो जो है ना OnePlus, Xiaomi, Oppo, इनकी जो है ना मार्केट वैल्यू अच्छी है, जल्दी से फोन जो है ना सेल तो हो जाते हैं। तो ये भी मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा। दोस्तों जो 4 नंबर पे जो बिग रीजन है वो है दोस्तों इसकी ओवर प्राइस। जी हाँ दोस्तों, Pixel 9 सीरीज स्टार्टिंग में काफी ज्यादा जो है ना प्राइस है, और ये प्राइस जो है ना ओवर प्राइस, मैं इसको बोलता हूँ हमेशा से। कुछ जो है ना यूजर का बोलना होता है कि यार आप इसको ओवर प्राइस कैसे बोल सकते हो, दोस्तों ये ओवर प्राइस है, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इसको जस्टिफाई नहीं करती है, तो उस हिसाब से ये जो है ना ओवर प्राइस है। और दोस्तों उसके अलावा जब भी कोई Pixel सीरीज आती है तो वो राइट 4-5 मंथ्स के बाद जो है ना उसकी जो प्राइस है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपको Pixel फोन ही चाहिए तो आप 6 महीने तक का वेट करो, उसके बाद ये फोन आपको 40% या 35% से भी कम की जो है ना प्राइस पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे वो 4 रीजन जिसकी वजह से आपको अभी के टाइम पे Pixel 9 सीरीज को जो है ना अवॉइड करना चाहिए। तो आप बताएं कि आप इसके साथ एग्री हैं या फिर। बस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।